आज अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में हो रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अवसर पर कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो मूर्ति पत्थर की थी वो भगवान का रूप ले लेगी। जो रास्ता भगवान राम ने दिखाया उससे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे गए। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि भगवान राम ने जिस राम राज्य की कल्पना की थी जिसमें गरीब दुखी न रहे, हम सब उस रास्ते पर चलेंगे। अखिलेश यादव ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद अयोध्या जाने की भी बात कही। आप भी सुनिए कि अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा। भगवान श्री राम और आज प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, जो मूर्ति पत्थर की थी, आज उसके अंदर प्राण प्रस्थान के बाद वो भगवान का रूप ले लेगी और जितने भी उनके मानने वाले लोग हैं श्री राम, वो जो रास्ता भगवान श्री राम ने दिखाया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे गए, जो रीति नीति और मर्यादाओं का सम्मान करते हैं वो डिवोटी सबसे करीब भगवान श्री राम के होते हैं। सर, राम राज्य की स्थापना की बात हो रही है, कैसे संभव होगा? मैंने पूर्व में कहा कि आज के बाद जो पत्थर की मूर्ति थी उसमें प्राण आ जाएंगे, हम सब उनको उसी भाव से देखेंगे कि वो जिसमें हम साधना करेंगे। अब हमें उम्मीद है कि समाज और देश, जो मर्यादा पुरुषोत्तम जी ने राम राज्य की कल्पना की थी जहां गरीब दुखी न रहे, नौजवान खुशहाल हो, आगे बढ़े और सब खुश हों, सब प्रसन्न हों, उस रास्ते